नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीएसईबी ने जारी किया मैट्रिक और इंटर का परीक्षा कैलेंडर। जातिगत जनगणना के मास्टर ट्रेनरों का 15 दिसंबर से होगा प्रशिक्षण। बिहार में तय समय पर होंगे नगर निकाय चुनाव। इस 4-लेन हाईवे के निर्माण से मिलेगा दर्जन जिलों का फायदा। रोहित को लेकर आया अपडेट, तीसरे वनडे के लिए कुलदीप यादव शामिल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एआईआई ने 596 रिक्तियों के लिए भर्ती जारी की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न डिसिप्लिन में जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुल मिलाकर 596 पदों के लिए भर्ती जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट का 2020, 2021 या 2022 का गेट पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी ही समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://www.aai.aero.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बीएसईबी ने जारी किया मैट्रिक और इंटर का परीक्षा कैलेंडर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जारी कैलेंडर के अनुसार बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 14 से 22 फरवरी 2023 तक हो सकती है। वहीं अगर इंटर की परीक्षा की बात की जाए तो इस परीक्षा की शुरुआत 1 फरवरी से की जाएगी, जो कि 11 फरवरी तक हो जाएगी, जबकि इंटर की प्रायोगिक परीक्षा की शुरुआत 10 से 20 जनवरी 2023 के बीच हो सकती है। इसके साथ ही अगर इन दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड की बात करें तो आनंद किशोर के अनुसार 10वीं का एडमिट कार्ड 8 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 16 जनवरी और 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बाबू जगजीवन राम की। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। इन्हें सहपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम के जीवन के कई पहलू हैं। उनमें से ही एक है भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान। 28 साल की उम्र में ही 1936 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य नामांकित कर दिया गया था, जब वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए तो बाबूजी डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोधी एमएलए चुने गए। वह महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जा चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन में श्रम मंत्री, संचार मंत्री और रेल मंत्री समेत विविध मंत्रालयों में भी कार्य किया है। जनवरी 1979 में बाबूजी भारतवर्ष के उप प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किए गए। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। बिहार में तय समय पर होंगे नगर निकाय चुनाव। बीते बुधवार को बिहार में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट में यह गुहार लगाई गई थी कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई की तारीख 20 जनवरी 2023 निर्धारित की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह कहकर याचिका दाखिल करवाई कि 20 जनवरी से पहले निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो जाएगा, इसलिए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और निकाय चुनाव पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीते दिन शुक्रवार को यह साफ कर दिया गया है कि इस विवाद से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी अगली सुनवाई उसी दिन करेगी जो तारीख पहले तय किया गया था, और अब यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और सरकार पर निर्भर है कि वह इस चुनाव को कैसे करवाते हैं। इस दिन से लगनी है बिहार में बालू खनन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बालू खनन पर रोक लगाने के लिए आखिरी 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। इसी मामले को लेकर अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएगी और बालू खनन की अंतिम तारीख को बढ़ाने का अनुरोध करेगी। बता दें कि यदि नए बंदोबस्तधारियों के द्वारा 26 दिसंबर से खनन शुरू नहीं हुआ तो राज्य में बालू का संकट पैदा हो सकता है। हालांकि ऐसी दिक्कत न हो इसलिए खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से सभी कार्य विभागों को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी और आग्रह किया गया था कि आने वाले 6 महीनों तक के लिए बालू खरीद कर उसे जमा कर लिया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि नए डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य में फिलहाल करीब 900 बालू घाटों की बंदोबस्ती की जा रही है।
जातिगत जनगणना के मास्टर ट्रेनरों का 15 दिसंबर से होगा प्रशिक्षण। बिहार में होने वाले जाति आधारित गणना के तौर तरीके के बारे में जानकारी देने के लिए गणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यापार में 15 दिसंबर को 10 मास्टर ट्रेनर के द्वारा गुण सिखाए जाएंगे। इन 10 मास्टर ट्रेनर में अपर समाहर्ता राजस्व, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सूचना व प्रौद्योगिकी अधिकारी, 3 अवर सांख्यिकी पदाधिकारी व 4 शिक्षक शामिल है। बता दें कि इन सभी ट्रेनरों को 7 जनवरी से पहले गणना से जुड़े सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके पहले चरण में 7 से 21 जनवरी तक मकानों की गिनती की जाएगी, जिसमें मकान के मुखिया के नाम के साथ उनके परिवार के सदस्यों की भी संख्या लिखी जाएगी। बिहार में संचालित फर्जी कंपनियों पर लगेगी लगाम। बिहार में संचालित फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार समेत पुलिस प्रशासन, कई एजेंसियां और बैंकें काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। इसी को देखते हुए मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने LLCC की बैठक की अध्यक्षता की और उसमें मौजूद नियामक संस्थानों को खड़ी खोटी सुनाते हुए यह निर्देश दिया है कि केवल अवैध तरीके से चलाई जा रही कंपनियों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार को चिट्ठी लिख देने से कुछ काम नहीं होने वाला। इसके लिए आप सबको भी अपने स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि इसमें राज्य सरकार की ओर से आपको पूरी मदद दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में करीब 700 NBFC और निधि कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से 322 कंपनियां ऐसी हैं जो फर्जी तरीके से चलाई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी का बड़ा निर्णय, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जब से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपी गई है, तब से लगातार स्वास्थ्य विभाग में बदलावों का संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक और बदलाव किया है। बता दें कि स्थानांतरण की श्रेणी में 7 दिसंबर के आदेश के अनुसार कुल 13 चिकित्सा पदाधिकारियों यानी कि सिविल सर्जनों का तबादला किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन 13 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें डॉक्टर सुनील कुमार झा, डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी, डॉक्टर रामप्रीत सिंह, डॉक्टर अमरेंद्र नारायण शाही, डॉक्टर अभय प्रसाद चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र नाथ सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार भट्ट समेत 6 और सिविल सर्जन शामिल हैं। सर्दियों में घूमने के लिए ये है बिहार के 7 बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट। सर्दियों का मौसम साल का ऐसा समय होता है कि इस दौरान आप घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घूमने के लिए खास तौर पर सर्दी के मौसम का इंतजार करते हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं और बिहार में ही ऐसे किसी पर्यटकीय स्थल की तलाश में हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपको बिहार के ऐसे 7 डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे जो इस मौसम में पर्यटन के दृष्टिकोण से आपको आकर्षित करेगा। यह डेस्टिनेशन हमने सभी वर्ग के जैसे बच्चे, युवा, बुजुर्ग और उनकी पसंद को देखते हुए चयन किया है। बता दें कि पर्यटन के इन 7 जगहों की सूची में उड़नी डैम, कैमूर हिल्स, सिरसा का मकबरा, महाबोधि विहार, उमगा मंदिर, VTR और राजगीर शामिल है। बिहार अग्निशमन सेवा का परिणाम घोषित, इतने अभ्यर्थियों का हुआ चयन। बीते दिन शुक्रवार को केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा में 2380 रिक्त पदों के नियुक्ति हेतु परिणाम घोषित कर दिया गया है। बता दें कि यह परिणाम परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस घोषित परिणाम के अनुसार इन 2380 रिक्त पदों के लिए 1500 पुरुष अभ्यर्थी और 880 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को 20 दिसंबर 2022 से 20 जनवरी 2022 तक महानिदेशक सह महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं पटना के कार्यालय में अपना योगदान देने के लिए समय पर पहुंचना होगा। इस 4-लेन हाईवे के निर्माण से मिलेगा दर्जन जिलों को फायदा। अब जल्दी प्रदेश में पटना से बेतिया तक जाने के लिए तकरीबन 5956 करोड़ रुपए के खर्च से करीब 173 किलोमीटर 4-लेन NH-139W सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण के परियोजना में गंगा नदी पर JP सेतु के समानांतर करीब 5.5 किलोमीटर लंबाई का एक नया 4-लेन केबल रोड ब्रिज बनाना भी शामिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस सड़क के निर्माण को पूरा करने के लिए 2025 तक के समय सीमा को निर्धारित किया गया है। बताते चले कि इस हाईवे के निर्माण की शुरुआत पटना के एम्स से की जाएगी, जो वैशाली, मानिकपुर, साहिबगंज, अरेराज होते हुए बेतिया से जुड़ जाएगी। वहीं सड़क के निर्माण से जिन जिलों को फायदा होगा या उनके यात्रा का समय बचेगा, उनमें पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। बिहार सरकार
ने किया सीनियर आईपीएस अमित लोढ़ा को सस्पेंड। खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर सीनियर आईपीएस अमित लोढ़ा की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीते बुधवार को अमित लोढ़ा पर निजी स्वार्थ के लिए वित्तीय अनियमितता के आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया, जिसके बाद बीते शुक्रवार को बिहार सरकार के द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि पुलिस मुख्यालय की ओर से निलंबन की पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अमित लोढ़ा के खिलाफ एसवीयू के अनुसार पुलिस मुख्यालय और वरीय पदाधिकार की तरफ से समीक्षा की गई थी, जिसके बाद निगरानी विभाग से मिले आदेश के बाद उन पर बीते 7 दिसंबर को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और आईपीसी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज कर ली गई थी। वहीं अब इन्हें बिहार सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के कैमूर के अमरीश कुमार की राखी ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले अमरीश कुमार ने 25 स्क्वायर फीट का एक ऐसी राखी बनाई है जिसे अभी तक का देश का सबसे बड़ा राखी कहा जा रहा है। अमरीश ने कुछ दिनों पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था, जिसकी अब पुष्टि कर स्वीकृत कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा ईमेल कर बताई गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अमरीश कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना के छात्र हैं। इनके द्वारा बनाई गई इस राखी को DFO के द्वारा भभुआ में विशाल पीपल के पेड़ में बांधा गया था। इससे पहले भी अमरीश कुमार के द्वारा इस तरह का रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। उन्होंने पिछली बार धान की भूसी से तिरंगे के रंग में विलीन 900 वर्ग फीट का रंगोली बनाया था, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। सड़क किनारे ढाबा खोलने के लिए सरकार दे रही 50 लाख की सब्सिडी। अगर आप भी सड़क किनारे ढाबा खोलना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार में सड़क ढाबा खोलने के लिए सरकार की ओर से 50 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप 4 कैटेगरी में 5 जनवरी 2023 तक पर्यटन विभाग में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनके पास उनके नाम से पुस्तैनी या लीज की जमीन हो। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा ढाबा नीति के तहत जमीन और बिल्ट अप एरिया भी निर्धारित कर लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी दी जाएगी। प्रीमियम मार्गीय सुविधा में 50 लाख रुपए, स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा में 35 लाख रुपए, बेसिक मार्गीय सुविधा में 10 लाख रुपए, पुराने ढाबा या पेट्रोल पंप में 20 लाख रुपए या इन सभी के अधिकतम स्वीकृति का 50% राशि दी जाएगी। जाने कब से चलेगी बिहार में प्रचंड शीतलहर। बिहार में ठंड ने अपना पांव तो पसार लिया है, लेकिन अभी भी अपने प्रचंड रूप में नहीं है। शहरी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से इसके आसार जताए जा रहे हैं। वहीं राज्य में तेज रफ्तार पछुआ हवा से लगातार पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 15 दिसंबर के बाद से प्रचंड शीतलहर चल सकती है। वहीं घना कोहरा भी दस्तक देगा। रात और दिन दोनों समय लोगों को ठंड का बढ़ा हुआ असर दिखाई देगा। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में और जनवरी के पहले सप्ताह में ठंड चरम सीमा पर होगा। 15 दिसंबर के बाद पछुआ हवा तेज गति से चलेगी। बिहार में आज सुबह का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और रात के समय तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सीएम नीतीश इस्तीफा दे, तेजस्वी बने मुख्यमंत्री। बिहार में कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अनिल सहनी ने कहा कि अगर कुढ़नी उपचुनाव में किसी की हार हुई है तो वह आरजेडी की हुई है, नीतीश कुमार की हुई है। इसमें महागठबंधन की हार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा के साथ अन्याय किया, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अनिल सहनी ने अपनी मांग को सामने रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी जगह मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। कुढ़नी में हार पर वशिष्ठ नारायण ने जेडीयू प्रत्याशी को घेरा। कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू के हार के बाद अब जदयू के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने समीक्षा करते हुए जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि हाल के दिनों में मनोज कुशवाहा के जनसंपर्क में अभाव रहा है। इसके साथ ही कुशवाहा की जो इमेज है वह भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में जदयू के समर्थक मौजूद है वहां से भी उन्हें उपचुनाव में वोट नहीं मिल पाया। इसके साथ ही तारी समाज के लोगों के द्वारा भी जदयू को वोट नहीं दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को कुल 3,645 वोटों से शिकस्त दी थी। आरसीपी सिंह का नीतीश पर हमला। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू को मिली हार के बाद लगातार महागठबंधन सरकार पर बयानबाजी चल रही है। इसी कड़ी में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी जुड़ गए हैं। बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रह जाएंगे। उनका बिहार में जो हाल हुआ है उससे साफ पता चलता है कि ललन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू कितनी कमजोर हो गई है। नीतीश कुमार केवल शराबबंदी पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें जनता की हालत की कोई खबर नहीं है। वहीं जेडीयू
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें 9 राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी। लेकिन नीतीश कुमार को पहले बिहार में ही अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सहरसा से पटना जाने वाले सभी ट्रेनों का परिचालन फिर शुरू। बीते 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक बरौनी लूप लाइन के निर्माण कार्य को लेकर रेलवे के द्वारा सहरसा से राजधानी पटना जाने वाले ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर इन ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत कर दी गई है, जिससे अब सहरसा से पटना सफर करने वाले यात्रियों को आसान हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत बीते दिन शुक्रवार से की गई थी, उनमें सहरसा से निकलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, कोसी एक्सप्रेस ट्रेन समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। वहीं जिस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत आज से यानी कि 10 दिसंबर से होने वाली है, उनमें ट्रेन संख्या 18625 पूर्णिया कोर से सहरसा होते हुए पटना और फिर हटिया तक जाने वाली कोसी एक्सप्रेस ट्रेन है। रोहित को लेकर आया अपडेट, तीसरे वनडे के लिए कुलदीप यादव शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच खेले जाने के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें लेकर नया अपडेट सामने आया है। बता दें कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम के द्वारा उनके चोट का आकलन कर उन्हें विशेषज्ञ परामर्श के लिए मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वह तीसरा वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे। हालांकि आगामी टेस्ट सीरीज में वो खेलेंगे या नहीं, इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी के द्वारा भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को तीसरे वनडे मैच में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही अब भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल के द्वारा संभाली जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सन 1950 में आज के दिन को मानव अधिकार दिवस घोषित किया गया। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर खींचना, ताकि हर देश और समुदाय में सभी को एक नजर से देखा जाए। गुजरात में 1992 में देश की पहली होवरक्राफ्ट सेवा शुरू हुई। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में सुमार दादा मुनि ने 2001 में दुनिया को अलविदा कहा था। सन 2004 में हुए ढाका टेस्ट में कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 1878 में हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक हंसमुख धीरजलाल सांकलिया का जन्म 1908 में हुआ। भारतीय अभिनेता अशोक कुमार का निधन 2001 में आज ही के दिन हुआ था। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, कृपया इस तरह के वीडियो को शेयर ना करें। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारतीयों का रहा बोलबाला। आज के समय में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। वहीं सरकार के द्वारा भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की कोशिशें आए दिन की जा रही है। बता दें कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वर्ल्ड लाइन इंडिया के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जुलाई से लेकर सितंबर महीने के बीच डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान की सहायता से कुल 38,320 रुपए का लेन देन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संख्या के मामले में 2022 की तीसरी तिमाही में 88% और मूल्य के मामले में 71% से अधिक की वृद्धि हुई है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुंबई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है, जहां डिजिटल लेन देन से सबसे अधिक किया गया है। अब व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर में लगाएं अपना अवतार। मेटा ने अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी किया है, जिसे अवतार कहा जाता है। जी हाँ, ये वही फीचर है जो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने को मिलते हैं। इस अवतार को आप अपने प्रोफाइल पिक्चर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोफाइल पिक्चर में अपने अवतार को लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अवतार को तैयार करना होगा। आपको मैसेजिंग ऐप के सेटिंग सेक्शन में यह फीचर दिखाई देगा। आपको बस व्हाट्सएप के सेटिंग मेनू पर जाना होगा, अवतार पर टैप करना होगा, अपना अवतार क्रिएट करना होगा। फिर आपको अवतार बनाने के लिए कुछ पर्सनलाइज विकल्प मिल दिए जाएंगे। आपको सभी स्टेप्स को पूरा करके डन बटन पर टैप करना होगा। रामकृपाल यादव ने लोकसभा में उठाया असफल शराबबंदी का मुद्दा।
बिहार में शराबबंदी की असफलता छुपाए नहीं छिप रही है। इसी को लेकर बीते दिन शुक्रवार को लोकसभा में पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव के द्वारा यह मामला उठाया गया। उन्होंने कहा कि आज के समय में बिहार के युवा नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी के पीछे तो सोच सही है, लेकिन उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने में असफल रही है। यहाँ के युवाओं की स्थिति बेहद भयावह है। यहाँ सूखे नशे की लत की वजह से खुद के घर का सामान तक बेच दिया जाता है, और यही कारण है कि राज्य में अपराध बढ़ रही है और सभी युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि युवा को बचाने के लिए वे बिहार सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर तुरंत समाधान निकाले और साथ ही इस धंधे में शामिल तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, गौतम, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, चंद्रशेखर प्रसाद, अमृत, प्रहलाद कुमार, धर्मवीर भक्ता, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, राम सेवक, के सिन्हा, अतीक खान, ऋषु कुमार, रंजीत कुमार ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार की वो कौन सी अभिनेत्री है जिन्होंने बिहार का नाम सबसे रोशन किया है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।